नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टीपलिंक का MR600 राउटर और हुआवे का 2S राउटर B312-926 राउटर। दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया है यहाँ पे। ये देखिए दोनों के साथ हमने एंटीना भी लगा दिए हैं। एक के साथ हमने LPD एंटीना लगाया, एक के साथ हमने जो है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगाया है, और दोनों के साथ हमने जो है वायर्स भी लगा रखी है, और दोनों का सेटअप पूरी तरीके से हमने तैयार कर रखा है। और साथ में हमने देखिए ये क्या लगाया है, हमने यहाँ पे लोड बैलेंसर भी लगा के रखा है। तो सेटअप कैसे किया है, क्या क्या किया है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में हम आपको आज करने के वाले जो है टोटली कंपैरिजन वीडियो है, जिसमें हम हुआवे प्लस टीपलिंक को जो है कंपेयर कर रहे हैं भी इनका आप आखिर इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया है। यहाँ दोनों में बैंड लॉक करके बताएंगे भी किस बैंड में कौन सा जो है सबसे अच्छा रहता है, और साथ में आपको दोनों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कई लोगों का ये क्वेश्चन था भी, कई लोगों का सवाल था भी दोनों की जो बैंडविड्थ इकट्ठी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, तो एक तरीके से मतलब जो है हमारा कितना फास्ट इंटरनेट मिल पाएगा। कई जो है गेमर हैं, कोई ब्रॉडकास्टर हैं या कोई लाइव टीवी करने वाले हैं, उनको ये चीज़ सेटअप बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा रेयर इलाकों में हैं तो वहाँ पर भी आप जो है एक तरह से हाई स्पीड इंटरनेट गेन कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इसमें डिवाइसेस जैसे नेटवर्किंग के हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि 3 डिवाइसेस हो चुके हैं, एक हमारा हुआवे का राउटर, एक टीपलिंक का राउटर और साथ में एक हमारा टीपलिंक का एक लोड बैलेंसर राउटर। जी हाँ, तभी जो है इनको आपस में मर्ज कर पाएगा। और मर्ज किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से 3 तरीके हैं, वो आप आई बटन में एक वीडियो है वो जो है हम आज टोटली जो है नॉर्मल लोड बैलेंसिंग के ऊपर बात करेंगे, और बैंडविड्थ को इकट्ठे करके दिखाएंगे आपको, मतलब देखेंगे और कितनी स्पीड मैक्सिमम आ सकती है और उनको कैसे कैसे यूज़ करना, वो अलग से वीडियो है, वो आप उसी में देख लेना किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे टिपलिंक में एक 4G प्लस सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पे हमने एक इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं की है, कोई बैंड लॉक नहीं किया, अभी ऑटोमेटिकली है। इसमें हमने जियो की सिम लगाई है और एयरटेल की सिम हमने हुआवे के राउटर में लगाई है। तो जस्ट हमने कुछ भी नहीं किया और सिंपल हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं जैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टिपलिंक का राउटर लगाया है, इसके हमने लैन पोर्ट पे लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैन पोर्ट में हमने टिपलिंक से वायर निकाली है, और एक एंटीना जो है हमने बाहर लेके गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एक टिपलिंक का जो हमारा लोड बैलेंसर है, इसमें क्या है, यहाँ पे जो हमारी 2 ब्लू वायर है, एक हमारी हुआवे से आई है और एक हमारी वैन 1 और एक वैन 2 में लगी है, और जो जो ग्ले कलर की वायर है ये हमारी लैपटॉप में गई है जो कि यहाँ पे लगी है। और एक बार स्पीड टेस्ट करना जरा द्वारा, और लास्टली हमने अभी जब टेस्ट किया था, तो लास्ट में अभी हमने टेस्ट किया था, अभी हमने कोई सेटिंग नहीं की है, तो देखिए क्या स्पीड आ रही है। नॉर्मली यहाँ पे 15 Mbps के हिसाब से जो है डाउनलोडिंग हो रही है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, और अपलोडिंग भी आप देख सकते हैं 47 पिंग आ रहा है यहाँ पे, और कुछ वायर वूर का सेटअप कुछ इस तरीके से हुआ है। बट बुरा मत मानिएगा क्योंकि अभी हम जस्ट टेस्टिंग करा रहे हैं इसलिए, लेकिन अगर आप खुद का सेटअप कर रहे हैं तो प्रॉपरली आप कर सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर्ड। तो जितनी हमारी डाउनलोडिंग आ रही है उतनी ही अपलोडिंग आ रही है। तो अभी हमने बैंड लॉकिंग नहीं की है, तो प्रॉपरली हम चेक करेंगे सभी को, और हमें मालूम है जैसे एयरटेल में बैंड 40 बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, वो भी हम आज टेस्ट करेंगे। तो आज ये दोस्त देखते हैं दोस्तों फिर क्या हम करने वाले अभी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल सिग्नल आ रहा है इसका, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही डंडा आ रहा है, एक ही टावर आ रहा है मतलब टिपलिंक में। तो मोबाइल पे आपको चेक करा देते हैं थोड़ा सा भी, मोबाइल पे एक बार जो है दोनों के साथ हम बारी बारी से जोड़ देते हैं और आपको अलग से इनकी क्या स्पीड आ रही है वो चेक करा देते हैं। तो और इसमें कौन कौन सा बैंड चल रहा है वो सब चेक करा देते हैं ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें। तो जैसा कि अभी मान लो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ टिपलिंक के साथ, तो यहाँ पे आप मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं, टिपलिंक के साथ हमने जोड़ दिया है और आईपी एड्रेस हमारे पास क्या आ चुका है, और जस्ट स्पीड टेस्ट कर देते हैं, साथ में आपको बैंड भी चेक कराता हूँ। अभी मैं टिपलिंक की स्पीड ही 12.9 Mbps और अपलोडिंग देखिए 15. तो इसी टाइम देखिए यहाँ पे 15.14 आ रही थी, यहाँ पे 12.9 आ रही थी और 16 Mbps आ रही, बट यहाँ पे भी 16 Mbps आ रही है। लेकिन जब यहाँ पे जब हम टेस्ट करते तो यहाँ पे तो दोनों की लाइट इतना से चलती है भी जैसे दोनों का इकट्ठा ही चल रहा है। अब हमारे पास 32 पिंग आ चुका है, यहाँ पे 12 Mbps आ रही थी बट यहाँ पे देखिए कितनी आ चुकी है, 14 Mbps जो है आ रही थी, लेकिन अब 12 Mbps के बीच में रह रही है वापस। और अपलोडिंग हमारे पास 16 Mbps आ रही थी, यहाँ पे भी 16 Mbps आ रही है लगभग। तो खैर हम एक बार हुआवे का चार्ज कनेक्ट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे भाई हाँ भी क्या कंपेरिजन है, हो सकता है हमारी सेटिंग नहीं हुई हो ढंग से। तो एक बार मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, बट यहाँ पर कनेक्ट मेरे पास पासवर्ड अभी डालने का टाइम नहीं है, तो मैं सिंपल WPS कनेक्शन पे चले जाऊंगा और यहाँ पे WPS का बटन जो है 2-3 सेकंड के लिए, और मेरा मोबाइल जो है हुआवे के साथ जुड़ जाएगा। और सिंपली मुझे मालूम है सब कुछ चल रहा है, और हो सकता है हमारा एयरटेल का रिचार्ज ख़त्म हो, लेकिन फिलहाल जस्ट मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो एयरटेल पे भी देखिए कितनी अच्छी डाउनलोडिंग आ रही है जबकि हम बेसमेंट में हैं।
तो दोनों को कोलेबोरेशन करके यहाँ पे यानी कि 20-30 आना चाहिए था और यहाँ पे भी कम से कम 30 के आसपास आना चाहिए था। अभी इनका आपस में हुआ नहीं है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्यों नहीं हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे राउटर में, जो कि हम यहाँ पे स्टेटस में जाएंगे, जो यूज़ हो रहा है ना दोनों का हुआ नहीं है अभी यूज़। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डायनेमिक जो है लिंक डाउन हो चुका है, तो यही प्रॉब्लम आती है मतलब ज़्यादातर। तो उसमें क्या करना पड़ता है हमारे को, वैन में जाके जो हमारा वैन डाउन हुआ है तो उसमें हमारे को दोबारा जाके कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वैन वन तो ठीक है, बन जो वैन टू है वो डिसकनेक्ट हो चुका है क्योंकि हमने बैंड लॉक किया ना, तो उस वजह से शायद हो सकता है ये बैंड लॉक हट गया हो और ये अब कनेक्ट हुआ है। तो जो स्पीड अभी देखिए, जस्ट अभी टेस्ट किया था 10.58 और 15.14 स्पीड आ रही थी, और अभी जो है जब हम मतलब जो है दोनों को एक्सेस कर सकते हैं और दोनों का ही मतलब जो है यहाँ पे लाइटें जो है लगातार दबा के चल रही है, और अब दोनों जो है दोनों का इकट्ठा हुआ है मतलब इंटरनेट, मतलब अब जाके जो है 20 Mbps की जो है हम कैच कर पाए हैं स्पीड, तो अब जाके जो है दोनों का हम इकट्ठा कर पाए हैं इनकी इंटरनेट। तो इसके बाद जस्ट मैं आपको एक मोबाइल पे मेरी भी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको साथ में, तो यहाँ पे एयरटेल का ये देखिए मतलब जो अब जो है दोनों की जो है इकट्ठी स्पीड हमारे को दिखा रहा है। तो इस तरह से मतलब जो है ये यहाँ पे हमारे पास स्पीड थी, हमारे पास यहाँ पे एयरटेल की सिम इसमें लगी है और जियो की इसमें लगी है क्योंकि इसमें 4G+ चाहिए हमारे को और साथ में हमारे को यहाँ पे भी चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम हम बैंड लॉकिंग करने की कोशिश कर रहे थे बट हमारे पास ऐप में नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इसकी डाटा विजार्ड होता है वहाँ से एक बार गुजरना पड़ता है, तो उसके बाद ही जो है बाकी की सेटिंग आ सकती है। एक ऑप्शन मेरे को मिली थी यहाँ पे मल्टी फ्रिक्वेंसी की, तो क्या इसमें ड्यूल मतलब 4G+ का मतलब है ये ड्यूल मल्टी फ्रिक्वेंसी है, मतलब दो बैंड हम यूज़ कर सकते हैं? तो एयरटेल में हमारे पास बैंड 3 और एक बैंड 40 है और अप्लाई करते हैं तो क्या ये मतलब दोनों को सेव कर पाता है सक्सेसफुली? क्या ये ड्यूल बैंड हो जाएगा? अरे भाई मज़ा आ गया, ये हुआवे का राउटर है और इसमें ड्यूल बैंड लॉक हो चुका है भाई। मेरे को मतलब जो है हमने सोचा वाला ये भी 4G+ के तरीके से जो काम कर रहा है। हाँ ये कैटेगरी 6 नहीं है बट कैटेगरी 4 है, लेकिन जो चीज़ अभी मैंने आपके सामने की ना बैंड 3 और बैंड 40 को लॉक किया है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये तो अब टेस्ट करके लगेगा पता। तो देखते हैं दोस्तों, मतलब ये बहुत बड़ी बात है अभी बैंड 3 और बैंड 8 जो है दोनों लॉक हो चुके हैं, कितने मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ है, अपलोड डाउनलोडिंग जो भी है और सिग्नल सब कुछ आ रहा है। सिग्नल बहुत कम आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है अभी, जैसे कुछ मतलब 100 dBm सिग्नल आ रहा है। तो हो सकता है इसके अंदर सेटिंग ऐसी हो जिसमें एक्सटर्नल एंटीना नहीं यूज़ कर रहा हो, तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं अभी उसमें एंटीना का जो सेटअप है वो किस मोड पे है। तो उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं अभी हुआवे के साथ जुड़ा हूँ तो मैं 192.168.8.1 जो है यहाँ पे अपने मोबाइल पे खोल लेता हूँ, और उसके बाद जो इसका पासवर्ड हमने admin123 लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे वेब पेज पे जाके सिस्टम सेटिंग में जाके एक बार एंटीना का जो है वो यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हुआवे के साथ जो हमने पासवर्ड रखा था लॉगिन कर देते हैं। अभी जो हमारा एंटीना यूज़ ही नहीं हो पा रहा है तभी इतनी कम स्पीड आ रही है, तो हम इसको जो है एक्सटर्नल पे कर देते हैं क्योंकि हमने एक्सटर्नल एंटीना लगाया हुआ है। तो अब जो है बैंड 3 और बैंड 8 जो है यूज़ हो रहा है मल्टी फ्रिक्वेंसी में, 68 dBm सिग्नल आ रहा है। तो थोड़ा सा देखिए ये सेटिंग्स जो है करनी पड़ती है, ये टेलीकॉम को समझना पड़ता है, इसी तरीके से जो है ये चलता है। और यहाँ पे अब हमारे पास मल्टी फ्रिक्वेंसी में एक्सटर्नल इंटरनेट का सेटअप हो चुका है, 69 dBm सिग्नल आ चुका है और यहाँ पे 4 Mbps के हिसाब से जो है डाउनलोडिंग आ रही है। और यहाँ पे देखिए ये खास बात है, अब इसकी अपलोडिंग आपने देखी थी ना कितनी ज़्यादा हो चुकी थी, तो इस तरह से 15-20 Mbps तक जो है इसकी अपलोडिंग भी गई थी। तो अब 15-15 कितनी होती है? 30 होती है। तो क्या होती है या चलती भी है या नहीं चलती है? तो यहाँ पे 3-4 Mbps तो सिर्फ आपको मतलब एयरटेल के मिलेंगे, बाकी जो है जियो के ही मिलेंगे। तो अपलोडिंग तो होगी है मर्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट डाउनलोडिंग का थोड़ा सा मेरे को कुछ अजब जैसा लग रहा था, तो देख लेते हैं एक बार। तो हो सकता है अभी इस टाइम एयरटेल जियो की जो डाउनलोडिंग है वो कम ही हो, जैसे 2-3 Mbps, तो 2-3 या 4-5 दोनों को मिला के जो है 10 Mbps दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ मोबाइल में। तो जी हाँ दोस्तों, मोबाइल पे लगभग 6-7-8-9-10-8-7-8 Mbps यानी कि जियो की आ रही है और बाकी है एयरटेल की, और दोनों को मिला के होगी 10 Mbps। ठीक है, तो ये थी मतलब जो है दोनों की कलेबरेशन, और अपलोडिंग स्पीड आप देख सकते हैं दोनों की मिला के 28 Mbps तक हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बज चुके हैं
और 2 घंटे हो चुके हैं हमें सर खपाते हुए। कभी हमने इसमें एयरटेल डाला, कभी उसमें एयरटेल डाला, कभी इसमें जियो डाला, कभी उसमें जियो डाला, कभी एंटीना इधर किया, कभी उधर किया, कभी रीसेट किया, कभी कुछ किया, कभी कोई सेटिंग की, कभी कोई सेटिंग की। तो बहुत सारी सेटिंग्स करने के बाद जो है अब हम कुछ नतीजे पे पहुंचे हैं जो आपको रिव्यूज इन दोनों का देने वाले हैं और इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं टीपी लिंक और हुआवे के साथ। पूरा टेस्ट करने के बाद जो है रिव्यू जस्ट मैं देने वाला हूँ आपको, और मैं आपको बताने वाला हूँ भी जैसे यहाँ पे मल्टी फ्रिक्वेंसी लिखी आ जाती है, तो मल्टी फ्रिक्वेंसी का मतलब ये नहीं अभी ये 4G प्लस है। हाँ, वो मैंने चेक किया प्रॉपरली, जब बैंड 3 में जो सिग्नल आ रहा था वो अगर बैंड 3 और बैंड 5 किया तब भी उतना ही सिग्नल आ रहा था। इट मीन्स भी ये 2 बैंड्स को सिलेक्ट कर लेता है, बट उसमें जो इसको बैंड सिलेक्टेड है पहले से वो उस पर कभी स्विच करेगा बाद में, तो जब नेटवर्क नहीं आएगा तो ही करेगा, मतलब वो 2 बैंड्स में जो है स्विच कर सकता है कभी भी, जैसे मोबाइल पे होता है ना कभी बैंड 3 कभी बैंड 5 कभी बैंड 40 आ जाता है या एयरटेल है तो 8 भी आ जाता है। इस तरह से मतलब अलग अलग लोकेशन पे जब इसको स्विच करेंगे तो उस हिसाब से इसका बैंड चेंज होगा, लेकिन हमारा जो हुआवे का राउटर है उसमें सिंगल बैंड ही रहता है, मतलब उसमें स्पेसिफिक बैंड्स में ही ये सर्च करेगा, वो ऑप्शन है मल्टी फ्रिक्वेंसी की। और जबकि वो जो हमारा टीपी लिंक का राउटर है MR600 वो 4G प्लस है। जी हाँ, उसमें डबल बैंड हम सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने देखा था पिछली वीडियो में आई पैटर्न में वीडियो है अभी, उसमें हमने 16-16 या 20-20 MBPS की डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों को इकट्ठी कर पाए, बट आज हम जो है मैक्सिमम 12-13-14-15 तक ही डाउनलोडिंग ले पाए यहाँ पे, और अपलोडिंग जो है 30 MBPS तक भी बीच में रही थी, इन दोनों का मर्ज हुआ था साइडिंग से। सो फ्रेंड्स, आपने देखा जिस तरह से हमने दोनों को आपस में जोड़ा और उसके बाद सभी के टेस्ट कराए, आपको लोड बैलेंसिंग का टोटल बैंडविड्थ भी चेक कराई, और इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहूंगा दोनों को कंपेयर करके। मेन जो कारण अभी मैंने आपको बताया, जैसे एक में 4G प्लस है, एक में सिंगल बैंड है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है भी हमारे पास जो टीपी लिंक का राउटर है वो ड्यूल बैंड है। ड्यूल बैंड इनकी वाईफाई में भी ड्यूल बैंड है और 4G में भी ड्यूल बैंड है, जबकि हमारा हुआवे का राउटर जो है सिंपल सिंगल 2.4 GHz वाईफाई में काम करता है। और कवरेज की बात की जाए तो दोनों की लगभग बराबर ही कवरेज है वाईफाई की, बट और सिग्नल बूस्ट की बात की जाए तो सिग्नल बूस्ट में जो है हमारे पास 4G प्लस होने की वजह से जो है टीपी लिंक MR600 जो है ज्यादा से ज्यादा वाईफाई इंटरनेट जो हमारे को दे पाता है। जैसे मान लो नॉर्मली जहाँ पे हुआवे जो है हमारे को कभी कभी अपलोडिंग बहुत जबरदस्त दे देता है, वैसे जो है हमारे को जो टीपी लिंक में जो है डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग दोनों को ही हमारे को जो है बराबर बराबर या ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकता है। नॉर्मली 15-20 MBPS डाउनलोडिंग, तो 15-20 MBPS ही अपलोडिंग, तो वैसे हुआवे में वैसा नहीं हो पाता है। उसमें थोड़ा सा हमारे को एक बार जो है या तो डाउनलोडिंग ज्यादा मिलेगी किसी बैंड में या तो हमारे को अपलोडिंग ज्यादा मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है, एक बात बहुत अच्छी है जी, हुआवे में जो है कम से कम लो क्वालिटी के जो है जहाँ पे कम GBM सिग्नल आता है वहाँ पे बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से काम करता है। बजट में है आता है राउटर, बट टीपी लिंक की बात की जाए तो लगभग 8,000 रुपये तो ऐसे खर्च रहता है, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरनेट वगैरह, तो ये ज्यादा महंगा जो है अमीरों का इंटरनेट हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। तो इस तरह से बात की जाए तो मतलब दोनों का मतलब इस तरह से दोनों के फीचर्स थे, दोनों के वाईफाई की फर्क है, दोनों के अंदर 4G के जो है एंटीना का भी फर्क है क्योंकि इसमें 2 एंटीना है जो कि मतलब दोनों डिटेचेबल हैं, बट हुआवे में कोई भी ऐसा एंटीना नहीं है, जो भी टोटली है वो एक पोर्ट है वो एक्सटर्नल एंटीना का है। तो इस तरह से दोनों का कंपैरिजन था जो मैंने आपको बताया, उसमें मेन जो 3 डिफरेंस है मेनली जो है वो एक 4G प्लस और दूसरा वाईफाई बैंड की वजह से और तीसरा जो एक्सटर्नल एंटीना है नहीं है वो फर्क है दोनों तीनों में। और जो एक और बड़ा कारण है वो टीपी लिंक में 1 मैश है जिसमें जो है एक एक्सटर्नल जो है मैश राउटर जो है हम अटैच कर सकते हैं, जबकि हुआवे में ऐसा नहीं है, उसमें हमारे को रिपीटर राउटर ही लेना पड़ेगा जो कि वाईफाई टू वाईफाई जो है WDS करके या वाईफाई रिपीटिंग करके एक्सटेंडर करके यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थी मतलब, और दोनों के गीगाबाइट इथरनेट है वो तो आपको पता ही है, तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस था। और लेकिन दोनों की बात की जाए तो वही बात है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंटरनेट यूज़ करना है तो टीपी लिंक MR600 में जाए वो, क्योंकि वो 4G प्लस है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पीड देगा, क्योंकि कई कई जगह पे जो है वो 36-36 MBPS भी दे देता है, क्योंकि बात आ रही है ना दो जो इंटरनेट को इकट्ठे मर्ज करने की बात है तो वो जो है टीपी लिंक कर पाता है। हुआवे में हाँ ये बात है भी आपको मैक्सिमम इंटरनेट मिल जाएगा जो आपका नेटवर्क 25 दे रहे हैं, अगर मान लो आपको 25-50 MBPS की स्पीड आ रही है तो कई लोगों को 50 MBPS भी आई है हुआवे में, तो हुआवे वो कैपेबल है मतलब जितना ज़्यादा मतलब कैच करना है तो वो हुआवे ही कैच कर पाता है, अगर मोबाइल वगैरह पे अगर बात की जाए तो वैसा पॉसिबल नहीं है वो चीज़ है, लेकिन टीपी लिंक में जो है इसका फिर डबल है, वही चीज़ जो है डबल करके वो दे देता है, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, इन दोनों को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है, वो डबल के हिसाब से है मतलब दोनों का, तो इस तरह से डिफरेंस है। और इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दोनों को हमने मैच किया कंपेयर किया और सारी चीज़ें आपको चेक कराई, और आने वाले वीडियो में हम आपको हुआवे का छत पे ले जाके चेक कराएंगे टेस्ट, और फिर आपको जो है जब टीपी लिंक को हम छत पे लेके गए थे उन दोनों को जो है मैच करेंगे, फिर देखेंगे उनका
तब क्या डिफरेंस आता है। लेकिन बात यार ये ना भाई ना, हम क्या करेंगे, एक सीडी कंपेयर कर सकते हैं, या तो अपलोडिंग या तो डाउनलोडिंग, बैंड चेंज करते हुए ज़्यादा मतलब जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है टिफ लिंक और हुआवे की दोनों की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में है, आप दे सकते हैं दोनों को वीडियो को बारी बारी से, जो दोनों में से आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। दोनों का सेटअप कॉस्ट वगैरह जो है पूरा आइडिया लगा सकते हैं। इसमें नॉर्मली अगर 8,000 रुपये का आप राउटर ले रहे हैं, एक 4G LPDDR एंटीना प्लस 10 मीटर तार ले रहे हैं, तो लगभग आपका 11,000 रुपये खर्चा आ रहा है, जबकि हुआवे में जो है वो 7,000 से के अंदर अंदर ही हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों में जो है डिफरेंस है, आप मतलब इस तरह से जो है कंपेयर कर सकते हैं दोनों को और अपने हिसाब से जो है परचेज कर सकते हैं दोनों में। और इतने बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।